हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुछ नया, कुछ यूनिक। यह हमारे गांव की डिश है। इसे हमारी नानी माँ हमको बना के खिलाती थी। यह काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। इसे आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी, झटपट बनने वाली इजी रेसिपी है। तो आइए चलिए इसे हम बनाते। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप आटा ले लेंगे। उसमें हम चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन लेके हाथों में क्रश करके उसे हम इसमें मिला लेंगे। और इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के पानी डाल के, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा ना तो हम सख्त गूनेंगे ना ही ज़्यादा सैल गूनेंगे। इसे हम मीडियम कंसिस्टेंसी में गूंद लेंगे, ना कि ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। आटा गूंदने के बाद इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक यह आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसके ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम 1 प्याज 1 टमाटर को अच्छे से कट कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बट मैं तो फिलहाल इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर ही डाल रही हूँ। 10 मिनट के बाद हम हमारा आटा दे देंगे। आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है, फिर हम उसकी एक लोई लेंगे और उसे थोड़ा सा आटा, सूखा आटा डस्ट करके उसे हम हाथ के सहायता से उसे गोल गोल लोई की तरह बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाना कोई मेहनत का काम नहीं, ये बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाते हैं। आप बस अपने हाथों के सहायता से इसे गोल 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 करते जाइए और ये काफ़ी अच्छे पतले से ऐसे स्ट्रिंग जैसे हो जाएंगे। तो जाके आपको इसको चकली की तरह गोल 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 कर लेना है। आप देख ही लीजिए मेरे वीडियो में मैंने इसे कैसे किया है। जैसे ही ये पतला हो जाएगा तो आप इसे गोल गोल लपेट लीजिए। हाँ, इसी तरीके से आप इसे गोल गोल कर लीजिएगा तो आपके घनूले बन के रेडी हो जाएंगे। और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते। आप इसे बना के एक प्लेट में साइड में रख दीजिए। फिर आप एक गैस पे पैन या कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें तेल या ऑयल या घी आपकी जो इच्छा हो आप वो डाल सकते। आप एक पैन में तेल ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी राई कड़ी पत्ता डाल लीजिए और साथ ही में उसमें प्याज डाल दीजिए। आप इसमें हरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा हींग डालिए, हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए। प्याज अच्छे तरह से ब्राउन होने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर को डाल के अच्छे से मिक्स करें। फिर हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा नहीं, 1 टमाटर आप डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इसमें कोई भी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और साथ ही में नमक डाल के इसको थोड़ा सा पका लें। जब टमाटर अच्छे तरह से गल जाए तो आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिएगा। आप अपने घनोले के अकॉर्डिंग, ताकि घनोले पूरे उसमें डूब जाए, आप इतना पानी उसमें डालिए। पानी में उबाल आने के बाद ये जो घनोले हैं ये आप ऊपर से उसमें डाल दीजिएगा और घनोले को ढक के 5 मिनट तक पकाइए। बीच बीच में देखते रहिएगा, घनोले जब पक जाए और उसका जो पानी है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद में आप इसे सर्व कीजिएगा। उसके ऊपर धनिया डालना ना भूलेगा, धनिया और हरे प्याज के पत्ते डाल के इसे गार्निश कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट